गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और आज है संडे, तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी संडे। मेरे लिए थोड़ा सा हैप्पी कम है क्योंकि आज सुबह, अभी सुबह का बज रहा है 8 और अभी हम पतिदेव के साथ जा रहे हैं हॉस्पिटल अपना ब्लड देने के लिए। मेरा कुछ ब्लड सैंपल लेना है जो टेस्ट बाकी है, तो आज संडे तो आज कर लेते, इसीलिए मेरा कुछ ज़्यादा हैप्पी नहीं। सुबह सुबह सुई घुसेगा हाथ में, तो चलिए चलते हैं ब्लड देने। ब्लड दे के आते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम लिफ्ट में चढ़ गए हैं, पतिदेव सीढ़ी से नीचे उतरे हैं। देखिए मेरा ड्रेस और मेरा मास्क आज मैचिंग मैचिंग, तो हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल ब्लड दे। इतने बार हम दोनों हेलमेट पहन लिए, हम येलो येलो, पतिदेव ब्लैक ब्लैक। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। टेस्ट वाला रूम पे देख सकते हैं कोई है नहीं, डॉक्टर आ रही है और हम बैठ गए हैं। तो ब्लड टेस्ट अभी लेगा मेरा हाथ से खून। पति देवर हम अभी हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं क्योंकि एक घंटा अभी ग्लूकोज पिए हैं, एक घंटा बाद एक सैंपल लेगा, फिर उसके एक घंटा बाद एक और सैंपल लेगा। तो अभी 2 घंटे यहाँ पे बैठना है, घर जाना सेफ नहीं है बार बार जर्किंग करके। तो अभी हम लोग यहीं पे हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं। पति देव अपने फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं और हम कुछ नहीं, टाइम पास रास्ता में गाड़ी देख रहे हैं। तो आप लोग भी बने रहिए पूरा आज का दिन का इस ब्लॉग में, देखिए क्या क्या कांड मेरे साथ होता रहता है। 9 बज गया है अभी 1 और मेरा 2 टेस्ट हो गया है, दोनों हाथ में, इस हाथ में 1, इस हाथ में भी 1, दोनों हाथ में 2 टेस्ट हो गए। अभी 1 टेस्ट और बाकी, 1 बजे होगा और 1 अभी बज रहा है। तो चलिए लास्ट खून दे देते हैं, मतलब लास्ट ब्लड सैंपल दे देते हैं, फिर घर चलते। ग्लूकोज इतना पी चुके हैं, थक गए हैं और भूख के मारे भी जान जा रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं, 1 ब्लड सैंपल देते हैं और घर चलते हैं। पति देव तो यहाँ पे लेट चुके हैं।
फाइनली मेरा ब्लड सैंपल देना। पक्का 3 घंटा हॉस्पिटल में बैठे थे तो 8 टाइप्स का ब्लड डोनेट नहीं किए, ब्लड सैंपल दिए टेस्ट के लिए, तो रूटीन टेस्ट था। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा इडली खाते हैं, खा के फिर घर चलते क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गया। ऐसा ना हो कि घर जाते जाते रास्ता में चक्कर खा के मैं गिर जाऊँ, इसीलिए थोड़ा सा इडली खा लेते हैं उसके बाद घर चलते। लेके भाग गया इतना अंदर तक नहीं देना था, कर दो आया नहीं है, हाथ से कर दो ना, इस पूरा गंदगी लगा दी उसमें, चला गया और भीतर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर आ गए हैं, पूरा दिन का एकदम, सुबह 9:30 बजे गए थे, अभी आए 1:30 बज रहा है, भूखा प्यासा ब्लड दे के थक गए दिन भर, अभी बहुत थक गए हैं, थोड़ा चेंज कर लिए, आधा घंटा रेस्ट करते हैं उसके बाद खाना वाना बनाने का तैयारी करते हैं। आप लोग बने रहिए पूरा ब्लॉग में, आगे आगे क्या होता है देखते हैं। आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया था, आज भाई गया अपने एक फ्रेंड के घर में, उसका एक फ्रेंड है स्कूलमेट है उसका, तो उसी के साथ गया है, वो बैंगलोर में वो लड़की आई है पढ़ने के लिए तो उसी के साथ मिलने गया है। तो आज हमारे पतिदेव है घर में, तो अभी पतिदेव खाना बना रहे किचन में और हम घर वर सब साफ कर लिए हैं, सारा काम लगभग हम लोगों का हो गया और देर भी बहुत ज़्यादा हो गया आज क्योंकि बहुत थक गए थे हॉस्पिटल से आके। तो चलिए नहा लेते हैं, अब नहा धो के फिर लंच कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आ गए हैं और आज हुआ यूं के दिन भर बाहर घूम के हॉस्पिटल में रह के ब्लड दे के मेरा हो गया थोड़ा तबीयत ख़राब, हो गया थोड़ा सा फीवर और भूख लग रहा था, तरबूज मेरा ख़राब हो चुका है और पतिदेव नारियल पानी पिलाने के बाद हमको नारियल रख दिए थे और नारियल से इतना मोटा मोटा मलाई निकल रहा है मेरा मोटू। अब चलिए अब हम नारियल पानी का मलाई खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। और हाँ, आप लोगों को एक बात और कहना है, अभी मोटू का और मेरे बीच में एक गेम होने वाला है, एक गेम प्लानिंग किया हम लोग, तो गेम क्या है उसको देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, कंटिन्यू कीजिए और बने रहिए। तो ये खा रहे हैं नारियल का मलाई जो बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत टेस्टी है और ये हमको निकाल के दे रहे मेरा पतिदेव।
मतलब मेरा मोटू। जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों से कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग सा एक चैलेंज होने वाला है, चैलेंज नहीं गेम होने वाला है। तो वो गेम यही है कि आज हम मोटू का 30 मिनट हेड मसाज करेंगे, उसके बाद मोटू मेरा 30 मिनट हेड मसाज करेंगे। तो जिसका हेड मसाज ज़्यादा आरामदायक होगा या ज़्यादा अच्छा होगा उसको मिलेगा बोनस में 15 मिनट और हेड मसाज। तो आप लोग मेरे इस हेड मसाज वाला गेम में बने रहिए और लास्ट तक देखिए कौन विनर होता है और किसको 15 मिनट एक्स्ट्रा और हेड मसाज मिलता है। तो चलिए बने रहिए और कंटिन्यू कीजिए इस ब्लॉग को। तो देख सकते हैं आप लोग मोटू मेरा कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितना मजा ले रहे हैं, अब फुल मस्ती में है। उसके बाद अब मेरा बारी आएगा, कोई दोनों में से कोई भी, दोनों में से दोनों ही एकदम सही फीलिंग बताएगा अपना कि किसका मसाज अच्छा ज्यादा था। कोई चीटिंग करने से नहीं चलेगा। अगर मेरा वीडियो कोई लेडीज देख रहे हैं और वो भी शादीशुदा, मसाज लेने के लिए अपने पति के साथ ये गेम खेल सकते हैं। पति को भी राहत मिलेगा, आपको भी सुकून मिलेगा। कैसे? मेरा ट्रेंड कंप्लीट हो गया है, हम पक्का आधा घंटा मोटू को दबा दिए। कैसा रहा आपका फीलिंग? अच्छा लगा तो मोटू को बहुत मजा आया। अब देखते मोटू हमको कितना मजा देते हैं, फिर देखते कौन विनर होता है। ठीक है, आप लोग पूरा बने रहिएगा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अब मोटू का डांस चालू हो गया है, अब मोटू मेरे बाल में तेल डाल रहे हैं, अब टाइमिंग भी चालू हो गया है, देखते कितना अच्छे से देते हैं। आप लोग देखिए मोटू कैसा मसाज करते हैं, हम आप लोगों को रिव्यू देते हैं। हर लड़की लोगों को मेरा कहना है, मतलब शादीशुदा लड़कियों को अपने पति से ऐसे मसाज का आराम ले, बहुत अच्छा लगता है मसाज करवाना। फाइनली हो गया हम लोग का मसाज का गेम कंप्लीट और पतिदेव थक के सो गए मसाज करके। लेकिन हम लोग दिल पे हाथ रख के सच बता सकते हैं, पतिदेव ने मुझे बहुत रिलैक्स फील करवाया और हम भी पतिदेव को बहुत रिलैक्स फील करवाए। तो हुआ यू के आज हम लोग का मैच हो गया ड्रॉ, क्योंकि दोनों को ही बहुत अच्छा लगा, कोई जीता कोई हारा नहीं। तो बहुत रात हो गया है, तो चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं, फिर डिनर करते समय आप लोगों से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स रात का बज रहा है अभी 10 बज चुका है और ये रहा मेरा मोटू, इनको खाना हम दे चुके हैं, मतलब डिनर दे चुके हैं। तो अभी भाई और हम खा लेंगे और फिर कल से मोटू का ऑफिस है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं। अगर इस ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो लोग प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स सब्सक्राइब किए बिना वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते कल आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।